हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिक विज्ञान के सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर सेमीकंडक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी इज इन बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इट मीन्स इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 10^-1 टू 10^-7 ओम मीटर। दिए गए चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। इन दीज मटेरियल्स देर इज ए फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, बट इट इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू इंसुलेटर एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो जर्मेनियम के लिए बैंड गैप है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकन के लिए बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलीनियम आर्सेनाइड के लिए जो एनर्जी बैंड गैप है वो 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो कंडक्शन बैंड है वो पूरी तरीके से खाली होता है और इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा से थर्मली एक्साइटेड होते हैं कंडक्शन बैंड में, कहाँ से, वैलेंस बैंड से, और एक एंड क्रिएट वैकेंसी और होल इन वैलेंस बैंड। सो एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन ड्यू टू थर्मल एनर्जी द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ब्रोकन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर सेट फ्री। दीज इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर टेकिंग थर्मल एनर्जी इक्वल टू बैंड गैप और फॉरबिडन बैंड और डेल्टा इजी और मोर क्रॉस ओवर टू द कंडक्शन बैंड। In the presence of electric field, these vacant sides in valence band move in a direction opposite to the direction of movement of electrons. It means these behaves like positive charge carriers and these vacant sides are called holes. In semiconductors, the transfer of electrons from valence band to conduction band depends on temperature. It means number of charge carriers increases with the increase of temperature. As a result, the conductivity of semiconductors increases with the increase in temperature and resistivity decreases. The increase in conductivity due to increase in number of charge carriers is more than the decrease in conductivity due to increase in random collision. अर्थात टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ती है और उसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, और ये कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है बजाय कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से जो कोलिजन होता है और कोलिजन के कारण, रैंडम कोलिजन के कारण जो है उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अर्थात सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी पे दो प्रभाव पड़ता है, एक तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी बढ़ती है और रैंडम कोलिजन होने बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी घटती है। लेकिन चार्ज कैरियर के कारण जो कंडक्टिविटी बढ़ती है वो ज़्यादा होती है बजाय रैंडम कोलिजन के कारण जो कंडक्टिविटी घटती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो इन कंडक्टर्स द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, सो दैट द इफेक्ट ऑफ रैंडम कोलिजन डोमिनेट एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज पॉजिटिव। तो साधारणतः ये माना जाता है कि जो पदार्थ होते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी जो रैंडम कोलिजन बढ़ते हैं और उसके कारण उसकी चालकता घटती है। सेमीकंडक्टर के लिए उठता है टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी चालकता बढ़ती है और उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसी क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
द इंस्टिक सेमी कंडक्टर बिकम्स एन इंसुलेटर एट, यानी जो नैज अर्धचालक हैं, प्योर अर्धचालक हैं, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कब करते हैं, कुचालक की तरह बिहेव कब करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 300 केल्विन पे या 0 केल्विन पे। तो इसका सही उत्तर है 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी जो कंडक्टिविटी वो बढ़ती जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, एनर्जी बैंड इन ए सॉलिड आर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओम्स लॉ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बोर्स थ्योरी एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका सही उत्तर है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड क्वेश्चन है, द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन, एनर्जी बैंड गैप अधिकतम किस में होता है, मेटल्स में, सुपर कंडक्टर में, इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर में। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी बैंड गैप है वो अधिकतम होता है इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर में उससे कम होता है और मेटल में उससे भी कम होता है, और सुपर कंडक्टर एक अलग स्थिति है। चौथा क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड ए सेमीकंडक्टर। ये पूछा गया है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो एक चालक में और एक सेमीकंडक्टर में जो है अर्धचालक में उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो कंडक्टर होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है और सेमीकंडक्टर के लिए घटता है। तो इसका सही उत्तर है सी, फॉर ए कंडक्टर इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट फॉर सेमीकंडक्टर इट्स डिक्रीजेस।